नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आजकल बढ़ते फैट और वजन से हर कोई परेशान है और इसका कारण है हमारा अनियमित लाइफस्टाइल। खाने पीने का पर कोई कंट्रोल नहीं है जिसके चलते वजन लगातार बढ़ रहा है और हम डाइटिंग और जिमिंग से अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वजन है कि कम होता ही नहीं। ऐसे में आज कार्यक्रम में हम बताएंगे कि बिना डाइटिंग और जिम के कैसे वजन कम करें। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। बढ़ता जा रहा है आपका वजन, फैट बढ़ने से है परेशान, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कैसे घटाएं बिना डाइटिंग वजन। आपके सितारे में अब अपने हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, महीना चल रहा है माघ का और तिथि है कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। आज बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पुष्य, योग है विषकुंभ और करण है गर्भ। चलिए तो ये तो था आज का पंचांग, अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को भूमि भवन के विषयों के क्रय विक्रय से यानी खरीदने या बेचने के विषय से संबंधित कोई लाभ प्राप्त आज आप कर सकते हैं। वाहन सुख प्राप्ति का बहुत उत्तम योग आपके लिए बनता है, स्वास्थ्य सुख भी आपके लिए आज उत्तम रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आर्थिक स्थिति को और प्रबल कर सकते हैं। धन का संचय करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिए बहुत जल्दीबाजी आपको नहीं करनी चाहिए, सोच समझ करके निवेश संबंधी कोई भी निर्णय करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन से प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को अपने व्ययों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति में काफी आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है, तो अपने खर्चों में आज आपको कमी करनी चाहिए। धन का संचय आज आप कर पाएंगे और जो कर्ज आपके ऊपर था आज की तिथि जो है उस कर्ज से, उस ऋण से मुक्ति पाने का, कर्ज चुकाने का आपके लिए बहुत उत्तम बहुत बेहतर अवसर है, तो आपको प्रयास करना चाहिए। अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए और सेविंग्स में से कुछ हिस्सा निकाल करके कर्ज चुकाने के लिए आज प्रयास करते हैं तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम घोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का दिल मत दुखाइए, ऐसा कोई भी व्यवहार मत करिए जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंचे। चलिए आप जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको धन की कमी महसूस हो सकती है, आर्थिक तंगी का अनुभव कर सकते हैं। संचय करना आज आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में अधिक से अधिक अपने व्यय और निवेश को आपको थोड़ा सा रोकना होगा। अभी आप निवेश मत करिए, अपने व्यय पर कमी लाइए, उस पर कटौती करें तो आपको फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम बुझाए नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोग आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपके बने कार्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। शत्रुओं पर अपना प्रभाव आपको बनाए रखने की आवश्यकता है, शत्रुओं की तरफ से ध्यान आप हटाइए मत। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आज आपको भी बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कन्या राशि वाले जातक लोग, आप किसी योजना में पैसा लगाने वाले थे, उस योजना में आपको कुछ घाटा भी आज सहना पड़ सकता है, तो बड़े निर्णय सोच समझ करके करें, सबके सहयोग से, सबके सुझाव से निर्णय करना चाहिए। आज कोई पुरानी रुकी हुई योजना जो है वो आपको लाभ दे सकती है, अचानक आप उस पर काम शुरू करें और उसमें आपको बड़ा फायदा हो जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय निवेश के लिहाज से आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं बनता। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन कॉलर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों हम यहाँ पर आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखिए ताकि हम सही तरीके से आपको सुन सके और आचार्य जी भी उसका सही तरीके से जवाब दे सके। और इस वक्त लखीमपुर खीरी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशि जुड़ गए हैं। शशि, अपना सवाल पूछिए। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हम लखीमपुर से बोल रहे हैं, मुझे अपने पति के बारे में जानना है। जी अवश्य बताएं। जी इनका जन्म 4/3/1979 में हुआ है। जी सुबह 10:35 पर। जी रविवार गोरखपुर। जी आचार्य जी इस समय इनकी तबीयत ठीक नहीं है जी, और इनका प्रमोशन कब तक होगा और ट्रांसफर भी मतलब ये इस साल एक दो जगह हो चुका है, ये जिला पंचायत में पोस्टेड है, और इनकी मतलब तबीयत के बारे में बताइए, इनका प्रमोशन कब होगा और इनका क्या ऐसा चल रहा है कि दिमाग में ऐसा कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते हैं, अकेले ही मतलब परेशान रहते हैं। देखिए जहाँ तक आपने प्रमोशन की बात कही है तो पदोन्नति की स्थिति जो है वो 28 अगस्त 2016 के बाद बन रही, तो अभी एक साल पूरा एक साल 8 महीने का समय है, उसके पहले तो प्रमोशन की स्थिति पदोन्नति की स्थिति नहीं बनेगी। ट्रांसफ़र ज़रूर होगा, ट्रांसफ़र ऐसी जगह होगा जहाँ आप नहीं भी चाहते होंगे और बार बार होगा क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन जो है ये राहु का अपना एक प्राकृतिक स्वभाव है, नैसर्गिक उसका प्रभाव है, उससे हम आप कोई भी नहीं बच सकते। और जहां तक रही बात इनके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय इस व्यक्ति इस जातक के लिए बहुत कठोर बहुत कठिन समय है, उसके लिए मैं आपको परिस्थितियां समझा देता हूं। इनकी कुंडली में कर्म भाव में 10वें स्थान में केतु सूर्य और मंगल एक साथ हैं और राहु जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, राहु उसको देख रहा है, राहु की दशा चल रही है। अब गोचर से अगर चर्चा करें तो गोचर से भी परिस्थितियां इनके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, सुख भाव में राहु की स्थिति होने से इनके सुखों में कमी आएगी, जीवन में संघर्ष बढ़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में और ज़्यादा कठोरता आती चली जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको और आपके पतिदेव को करना ये चाहिए कि राहु केतु सूर्य और मंगल इन चार ग्रहों का निदान कराएं, तब आप अपने जीवन में जो सुख चाहते हैं, जो पदोन्नति या जो लाभ चाहते हैं अपनी नौकरी से, वैसा आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। एक कॉलर अब अजमेर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, लता जुड़ गई हैं। लता अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपने पति के बारे में जानना है कि उनके सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, और उनका मतलब झगड़े भी होते हैं हम दोनों के बीच में काफी। बताएं। लेकिन उनका बर्थ है 3 अगस्त 1975। जी। जन्म स्थान है सावर और समय है शाम के 7:30 बजे। जी देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपने पूछा कि सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं है, तो इनको प्रयास करना चाहिए, इनको सफलता मिल सकती है सरकारी नौकरी के क्षेत्र में। बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतरदशा है, जो भी विघ्न आएगा वो राहु की तरफ से ही आएगा। अमूमन राहु जो है लोगों के लिए नुकसानदायक ही होता है, बहुत कम ऐसे संयोग होते हैं जिसमें राहु शुभ हो, और जब राहु शुभ हो जाता है तो जीवन में कोई भी सुख फिर आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन वो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। तो इस समय में इनको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे बृहस्पति का जो शुभत्व है वो बढ़े और राहु की जो नकारात्मकता है वो कम हो, फायदा मिलने लगेगा। एक कॉलर अब इलाहाबाद से जुड़ गए हैं, विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। सुषमा बोल रहा है, अपने लड़के के लिए बात करना चाह रहे थे, नौकरी कब मिलेगी लड़के को हमारे। जी बिल्कुल, आप जन्म विवरण बताइए। लड़के 1991 19 दिसंबर। जी 19 दिसंबर। समय और स्थान बताएं। लड़के जन्म है बृहस्पतिवार। जी समय और स्थान बताइए। और लखनऊ। जी जन्म का समय बताएं। 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे।
बृहस्पतिवार जी बिल्कुल। देखिए राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और राहु का संयोग जो है इनके कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य के साथ बन रहा है। ये बहुत अच्छा योग नहीं होता। किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित हो तो सूर्य आत्मा का कारक होता है। वो जीवन में कभी भी व्यक्ति को खुश संपन्न संतुष्ट नहीं होने देता। आत्मा से आप कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे और मान सम्मान सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए वह प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको अपने बच्चे के लिए राहु केतु और सूर्य का निदान कराना है, क्योंकि केतु की स्थिति भाग्य स्थान में है, उसने भाग्य में ग्रहण लगाया हुआ है। और जब तक इन समस्याओं का इन दोषों का निदान नहीं किया जा सकता तो नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन नौकरी बहुत मेहनत बहुत होगी, कमाई बहुत कम होगी। नौकरी ऐसी होगी कि बस मन मार के काम करना पड़ेगा। जैसी आप चाहते हैं या बेटा जैसा चाहता है वैसी सफलता अपनी नौकरी में कभी भी नहीं देख सकते। तो सबसे पहला काम राहु केतु और सूर्य का निदान करें हनुमान जी की पूजा आराधना करने से, क्योंकि राहु की ही महादशा अंतरदशा है तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। एक कॉलर अब उत्तराखंड से जुड़ गई है, नीतू जुड़ गई है। नीतू अपना जन्म विवरण दीजिए फिर सवाल पूछिए। मैं नीतू वाली हूँ उत्तराखंड से जी, और मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बताइए उसकी डेट है 12 जुलाई जी 1995 जी, समय है शाम के 8:55 जी। ये तो उसके भविष्य के बारे में पूछना है जी। वो ना क्रिकेट के उसमें जाना चाहता है जी बिल्कुल। जन्म का स्थान बता दें रामपुर जी। देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है और इनके लिए भी कार्य क्षेत्र में अपना खुद को स्वयं को स्थापित कर पाना बहुत ही कठिन होगा। बहुत संघर्ष की स्थिति इनके सामने रहेगी। इनके लिए भी कर्म भाव में कर्म स्थान में राहु की उपस्थिति है तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में लाख प्रयास करने के बावजूद एक सफलता मिलती है। तो इनको आप समझाइए कि निराश ना हो, हार ना माने। महादेव की पूजा आराधना यदि आप इनके लिए करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब एक कॉलर श्रीनगर से हमारे जुड़ गए हैं, सुमित जुड़ गए हैं। सुमित अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सुमित पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1986 जी, और समय 5:10 सुबह का जी। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान है पौड़ी गढ़वाल जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं शादी कब तक होगी जी। शादी कब तक होगी शादी। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा है और जहाँ तक विवाह का प्रसंग आपके लिए चर्चा करें तो 2017 के पहले 13 जनवरी 2017 के पहले इसका संयोग नहीं बन रहा है। बहुत आप प्रयास करेंगे, परिवार वाले प्रयास करेंगे, बात बनेगी, बात आगे बढ़ेगी लेकिन किसी न किसी कारण से उसमें विघ्न आएगा। विघ्न का सबसे बड़ा कारण राहु है आपके लिए भी। तो राहु की महादशा अंतरदशा अभी आरंभ हुई है, अगर इसके शुरुआत में ही इसका जाप करा करके निदान करा ले तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। राहु के लिए अगर चतुर्गुण मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो 80,000 मंत्र का जाप करा करके शांति करानी चाहिए। तो किसी भी योग्य ब्राह्मण से आप करा सकते हैं। नियमित दिनचर्या में स्वयं आपको सूर्यदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करें, बहुत अच्छा लाभ और सफलता मिलेगी। और रामनगर से अब एक कॉलर दीपक हमारे से जुड़ गए हैं। दीपक सवाल पूछिए। जी नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार, बताइए, सुन रहा हूँ। मेरा जन्म दिन है 20/5/1985। चलिए लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। दर्शकों हम यहाँ पर आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखिए। और अब एक और कॉलर हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना सवाल पूछिए। जी हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं मैम। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम अक्षय शुक्ला है, मेरा जन्म तिथि जो है वो 2 जुलाई 1996 जी, शाम के 6 बजे जी, इलाहाबाद जी। जी सर हमको हमको समझ में नहीं आ रहा सर
कि हमको कौन सी लाइन पर, हम शिक्षा का स्तर पूछना चाहते हैं कि हमको किस जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतरदशा है। मंगल लग्नेश हैं और सप्तम भाव में शुक्र के साथ संयोग बना रहे हैं, और कर्म भाव जो आपका करियर का जो हाउस है वो सूर्य का है, तो सूर्य से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र होता है अगर आप उस तरफ अपना रुझान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। सूर्य से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत विस्तारित है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है। सबसे पहले उसमें लकड़ी से संबंधित कार्य आते हैं क्योंकि सूर्य का आधिपत्य जो है वो लकड़ियों पर है, तो फर्नीचर इत्यादि से, इंटीरियर इत्यादि से संबंधित काम आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद और भी आप और परिस्थितियां देख रहे हैं, और भी आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, खाने पीने का क्षेत्र है, अनाज से संबंधित काम है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र होता है जिससे जुड़ा हुआ आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। खासतौर पर सूर्य जिनकी कुंडली में कर्म भाव की स्थिति होता में होता है, या सूर्य जिनकी कुंडली में बलि हो, ऐसे लोग नौकरी पेशा नहीं होते क्योंकि ये किसी का नियंत्रण अपने ऊपर झेल नहीं सकते। जिस तरीके से सूर्य चमकता है ये उस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में चमकते हैं, किसी का अंकुश, किसी का दबाव, किसी का नियंत्रण इनको अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं होता, ये अपना व्यापार व्यवसाय करके सुखी होते हैं। तो आप सूर्य के क्षेत्र में प्रयास करें, खासतौर पर मशीनों इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रयास करें तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे बिना डाइटिंग कैसे घटाएं वजन। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज कुछ खुशखबरी मिल सकती है। आज आपके ऋण प्राप्ति के जो प्रयास थे वह सफल हो जाएं, तो ऋण प्राप्ति से संबंध होने से धन संबंधी जो भी आपकी योजनाएं थी, जो रुक रही थी, वो पूरी हो सकती हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से कई सारे कार्य सिद्ध होंगे, परंतु कर्ज लिया हुआ धन आपको समय पर वापस करने का प्रयास करना चाहिए, यह संकल्प आपको मन में रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में आप निवेश ना करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी बंधु लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदा ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। अब बारी है धनु राशि की, जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। खाली बैठना आज आपको पसंद नहीं आएगा, जोश ऊर्जा शक्ति जो है आपकी वो देखते ही बनती है, इसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम से सफलता संभव है, बड़े कार्य आज बन सकते हैं। आलस्य आपको कभी भी नहीं सुहाता है, तो आज आलस्य का परित्याग करें और मेहनत से अपने काम में लग जाएं, सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है और कार्यों का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ाया जा सकता है, तो जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना है, मेहनत से काम करना है और जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाए उसका भली भांति निर्वहन करने का आप प्रयास करें, संकल्प करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप बचें तो आपके लिए ज्यादा शुभ है। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन।
मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अत्यधिक जोखिम, बहुत रिस्क वाला काम या फिर वाद विवाद से आपके कार्यक्षेत्र में, व्यवसाय में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो रिस्क लेने से बचना चाहिए और किसी भी झगड़े की स्थिति को आपको इग्नोर करना है। तनाव को बचा करके कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ सृजनात्मक कार्य करने का प्रयास करें तो आपको अच्छी सफलता आज मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से आप बचें तो आपके लिए सर्वोत्तम है। तो ये तो था राशियों का हाल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष, फेंग शुई और वास्तु के कुछ ऐसे उपाय जो आपके बढ़ते हुए वजन को घटा सकते हैं। बिना डाइटिंग के आपका जो वजन बढ़ रहा है उसको नियंत्रण करने में, फैट को कम करने में ये आपको बहुत अच्छा फायदा कर सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला विशुद्ध रूप से आपको वैदिक ज्योतिष का एक उपाय बताता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है किसी भी तिथि में, क्योंकि इसमें कोई दिन की बाध्यता नहीं है। किसी भी तिथि में आप एक रांगे की अंगूठी अपने लिए बनवा लीजिए। आप किसी भी सुनार के पास जाएंगे, जौहरी के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि रांगे की अंगूठी बनवाना है तो वो आपको बना करके दे देगा। मिडिल फिंगर में ये मध्यमा उंगली के लिए आपको रांगे की अंगूठी बनवानी है। बेहतर होगा आप रविवार को इसको लेकर के आए या जिस भी दिन बन जाती है आप इसको या तो सोमवार को धारण करें या फिर शुक्रवार को धारण करें। तो आप इस रांगे की अंगूठी को ले आइए। रांगे को अंग्रेजी में टिन कहते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो टिन की अंगूठी आप बनवा सकते हैं। ये कई सारी धातुओं का मिश्रण करके जौहरी लोग, सुनार लोग इसको बनाते हैं, तो आप उनसे बनवा करके ले आइए। इसमें वजन का, ग्राम का, कितने ग्राम का होना चाहिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। थोड़ा अच्छी खासी क्वांटिटी में हो, थोड़ा मोटी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसका प्रभाव आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको ये रांगे की अंगूठी अपनी मिडिल फिंगर में पहननी है। अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या आप अपने बढ़ते वजन से पहले से ही परेशान हैं तो आपका वजन अपने आप ही कम होने लगेगा। कुछ नहीं करना है, बस ये रांगे की अंगूठी पहन लेनी है। ये ज्योतिषीय उपाय है और बहुत माना हुआ उपाय है बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए या बढ़े हुए वेट को कम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं फेंग शुई और वास्तु के कुछ उपायों की। अगर आपका फैट लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते वजन के कारण आप निरंतर चिंतित भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप घंटों जिम में जाकर के पसीना बहाएं। वजन कम करने के लिए आपको डाइटिंग करने की भी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती। डाइटिंग के कुछ प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं जिससे हमारा शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है। हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, उसको नहीं मिल पाते डाइटिंग करने में। तो डाइटिंग करना भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। या तो आप बहुत कैलकुलेटेड चीज़ें खाएँ तो आप उसको सही मायने में कर सकते हैं। बिल्कुल खाना पीना बंद कर देना आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। चाइनीज वास्तु विज्ञान जिसे फेंग शुई कहते हैं, फेंग शुई में वजन कम करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमा करके आप चाहें तो अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिना पैसे के बहुत सरल, बहुत अच्छे उपाय हैं। सबसे पहले इसमें करना ये होता है कि आपको अपने किचन पर ध्यान देना होता है। किचन को आप सुसज्जित करके रखें। जो भी गैर जरूरी चीज़ें हैं उन्हें आप अपने किचन से निकाल दीजिए। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उसे आप अपने किचन से हटाइए। अपने किचन में खाने की आवश्यकता की चीज़ों को ही रखना चाहिए। उसके अलावा जो भी व्यर्थ की चीज़ें आपने भर रखी हैं स्टोर में उसको आप हटा दीजिए। किचन अथवा डाइनिंग हॉल जहां भी आप भोजन करते हैं वहां की दीवारों पर लाइट कलर अगर आप करवाते हैं तो इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, आपके शरीर पर पड़ता है और आपके शरीर की मांग पर पड़ता है। भूख अंदर से कम लगती है, आप स्वयं संतुष्ट फील करेंगे, अनुभव करेंगे और आपको अंदर से ही भूख कम लगेगी। रेड और ब्राइट कलर से भूख अधिक बढ़ती है, भूख अधिक लगती है। अगर आपको भूख दो रोटी की है निश्चित ही आप चार रोटी खाएंगे। अगर आपके डाइनिंग रूम में, खासतौर पर डाइनिंग और आपके किचन में बहुत डार्क कलर का प्रयोग किया गया है, लाल, गुलाबी, बहुत तेज रंगों का प्रयोग किया गया है तो उससे अपने आप अंदर से भूख बढ़ती है। प्लेट और टेबल क्लॉथ का कलर जो है वो भी आपके वजन को प्रभावित करता है। फेंग शुई के अनुसार ब्लैक अथवा ब्लू कलर की प्लेट और टेबल क्लॉथ का प्रयोग करने से खाने के प्रति रुचि कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है। भोजन सामने देख करके किसी भी व्यक्ति को सीधा खाना ही शुरू नहीं कर देना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि भोजन को पहले ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, फिर ये आप प्रार्थना करें कि भोजन से आपको संतुष्टि मिले और आपका शरीर जो हो वो पुष्ट हो, तुष्ट हो।
फेंगशुई में भी यही बात कही जाती है, भोजन आरंभ करने से पहले ध्यान करें और भोजन से संतुष्टि की कामना करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य उत्तम रहता है और अतिरिक्त फैट नहीं बढ़ता। अतिरिक्त भोजन से बचने के लिए डाइनिंग टेबल पर और आपको अपने घर में, अपने ज़्यादा से ज़्यादा आपको किचन में अपने डाइनिंग टेबल पर ताज़े फल और पुष्पों से उसको सजाना चाहिए। डाइनिंग टेबल को सजा करके रखेंगे तो मन अंदर से खुश रहेगा और भूख थोड़ा कम लगेगी। वजन कम करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि फ्रिज और डाइनिंग टेबल के सामने आप शीशा लगाएं। इस बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि सूर्य की रोशनी किचन और डाइनिंग टेबल एरिया में पहुंचे। कुछ लोग वजन कम करने के लिए शीशे की बजाय स्पेक्ट्रम लाइट का भी प्रयोग करते हैं। आप भी चाहें तो स्पेक्ट्रम लाइट का प्रयोग कर सकते हैं शीशा लगाने से, और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। वजन कम करने के लिए फेंगशुई में एक तरीका ये भी है कि आप अपना जूता ऐसे स्थान पर रखें जहां आते जाते आपकी दृष्टि आपके जूतों पर पड़े। घर में स्वस्थ लोगों की तस्वीर लगाएं, इससे भी फायदा मिलता है। ये भी आपके आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जूतों से संबंधित ये वजन कम करने का उपाय जो है ये बहुत आवश्यक है। लोग, आपने देखा होगा अक्सर अपने घर में जूते इत्यादि जो है वो बिखेर करके रखते हैं, मोजे जुराबे जो है इधर उधर बिखेर करके रखते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बढ़ती हैं और इससे भूख भी बढ़ती है। जब आप देखेंगे आप परेशान होंगे, चिंतित होंगे, और चिंतित होंगे तो भूख बढ़ेगी। और अगर आप अपने घर को, खासतौर पर अपने जूते चप्पलों इत्यादि को, फुटवेयर्स को ऑर्गेनाइज रखेंगे, एक व्यवस्थित रूप में रखेंगे, तो निश्चित ही मन अंदर से संतुष्ट होगा। और जब संतुष्टि आती है तो इच्छा के अनुसार जितनी भूख है, जितने अनुपात में आपको भूख है, आप उतना ही अन्न और भोजन ग्रहण करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे तो ओवरवेट नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।